ठीक, तो लिखो रिजोल्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ें किसी वेक्टर को, तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे ना इससे रिलेटेड आज पूरे क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा इसके बाद। तो देखो भाई, ये वेक्टर है अपना, मान लिया इस वेक्टर को मुझे कंपोनेंट में तोड़ना है ना। अब कंपोनेंट में तोड़ने का मतलब होता है, जैसे किसी चीज को अगर मैंने तोड़ दिया जो उसके टुकड़े आ गए, अगर उन टुकड़ों को वापस रीअरेंज करोगे तो तुम्हें ओरिजिनल चीज मिल जानी चाहिए। जैसे मान लो पांच है, पांच को कैसे कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ मैं, 2+3 कर सकता हूँ। मतलब मैंने इसको दो, ये दो कंपोनेंट में तोड़ दिया ना, पर इन दोनों को जब वापस ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5। या फिर और किस, और क्या तरीका है, 1+1+3। और क्या तरीका है भाई, 4+1। और क्या तरीका है, 2+2+1। फर्क नहीं पड़ता तुम कहना 1+, और भी कई तरीके हैं करने के, तुम्हारे दिमाग में आ गए होंगे ना। तो भाई बस ये है कि जब तुम कंपोनेंट में तोड़ रहे हो उसे तोड़ दो, पर जब उनको वापस ऐड करोगे, उनको वापस जोड़ोगे तो तुम्हें ओरिजिनल चीज मिलनी चाहिए। ये समझ में आया क्या, सेम वेक्टर के साथ है। तो देखो ऐसे कैसे तोड़ सकता हूँ, मान लो इसे दो पार्ट में तोड़ना है, तो देखो कई तरीके अपने पास तोड़ने के। एक तरीका देखो, एक में बना देता हूँ ऐसा वेक्टर, फिर ये बना दिया एक वेक्टर ऐसा बना दिया, बोल देते हैं इसे कुछ भी, बोल देते हैं A1 वेक्टर A2 वेक्टर। तो क्या बताओ, इन दोनों को जोड़ने पे वापस ही आ रहा है, तो A1 वेक्टर और A2 वेक्टर क्या है, A वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। समझ में आया क्या, क्योंकि इनको वापस ऐड करने पे मुझे अपना ओरिजिनल वेक्टर फिर से मिल रहा है। और भी तरीके हैं देखो करने के, ये बना दो एक वेक्टर, A3 वेक्टर बना दिया, ये लो ये कैसे बना दो, A4 वेक्टर बना दो, ऐसे बना दो। तो क्या A3 A4 और A5 A वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इनको ऐड करने पे वापस, अरे ऐड करना तो आता है ना, हेड टू टेल, इधर गए इधर गए इधर गए, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ। तो ये तीन भी तुम्हारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो बताओ इस वेक्टर को ऐसे मैं कितने तरीके से तोड़ सकता हूँ, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, 2 पार्ट 4 पार्ट 10 पार्ट 1000 पार्ट मिलियन बिलियन कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकते हो। तो कितने तरीके हैं इसको तोड़ने के, इन्फाइनाइट वेज हैं ना, तुम इन्फाइनाइट वेज में इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कोई एक ही तरीका होता है, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे तोड़ दो उसको, समझ रहे हो। बस इतना है कि उनको ऐड करने पे वापस तुम्हें ओरिजिनल वेक्टर मिलना चाहिए। इन दोनों केस में हो रहा है, तुम देख लो, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर को ऐड करूंगा तो क्या मिल रहा है, A वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, A5 वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, A वेक्टर मिल रहा है। और भी कई, लो देखो एक ऐसा बना देते, लो ये बना दिया, लो ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, है तो वही ना, कुछ भी नाम दे दो, इनको नाम दे देते, चलो क्या दे बोलते भाई, A5 तो गए थे, A6 A7 A8 A9। तो देखो इन सबको ऐड करोगे तुम, A6 A7 A8 A9, इन सबको ऐड करने पे भी तुम्हें क्या मिल रहा है, A वेक्टर। तो ये चारों भी क्या है, तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं A वेक्टर के। ये समझ में आया क्या, पर इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना, एलजेब्रिक एडिशन और वेक्टर एडिशन, वेक्टर के कंपोनेंट और इन नंबर्स के कंपोनेंट निकालने में थोड़ा सा फर्क है। तो क्या फर्क है, जब इनको तुम कंपोनेंट्स में तोड़ रहे होते हैं तो कंपोनेंट होता है उनकी लेंथ हमेशा छोटी होगी इससे। यहाँ पे भाई देखो A7 A वेक्टर का कंपोनेंट है, पर A7 का मैग्नीट्यूड A से ज्यादा है। यहाँ पर A7 कंपोनेंट है, टुकड़ा है A का, पर A7 वेक्टर का मैग्नीट्यूड A वेक्टर से ज्यादा है, देखो हमने जो बनाया है। तो वेक्टर्स में जरूरी नहीं है जो उसके टुकड़े हैं वो उस वेक्टर से छोटे, टुकड़े वेक्टर से भी बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं। आ रहा है समझ में, तो जल्दी से इसे बनाओ फिर मैं नोट लिखवाता हूँ, और कुछ भी डाउट हो तो पूछो। अगर मैं 2 डायमेंशन में बात करूँ, मैं कुछ को सिंप्लीफाइड वे चाहता हूँ जिससे मेरे जो मैथमेटिक्स है उसको वर्कआउट करना, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, 2 डायमेंशन में इसको सिर्फ 2 पार्ट में तोड़ूंगा, और वो भी एक एक्स एक्सिस के अलोंग रखूंगा, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि मैंने कहा था ना अभी आई कैप जे कैप के कैप डिफाइन करें ताकि उनसे मेरा काम हो जाए। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस,
अभी टू डायमेंशन में बता देता हूँ, फिर थ्री डायमेंशन में आगे जाके बता दूंगा। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अब जरूरी नहीं है ना कि अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी हो, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स भी हो सकता है, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है हमारे पास। अब ये क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस हैं। अब जरूरी नहीं है भाई दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हो। लो मैं ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कुछ जगह इनके अपने अलग यूज होते हैं। तो अगर मान लो इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, और मान लो एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, फाई। अगर ये फाई 90 डिग्री हो जाएगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन जाएगा जिस पे हम जनरली काम करते हैं। पर मान लो इस तरह का दिया हुआ है तो कैसे कंपोनेंट निकालेंगे बताओ। अच्छा पहले इसमें कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे पॉइंट्स के, ये बता सकता है कोई? जैसे यहाँ पर मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे क्या? ये होंगे क्या? तो फिर याद रखना जो लाइन जो डालते हो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं किया जाता। वो वहां पे हमको ऐसा लगता है कोऑर्डिनेट लिखने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, असलियत में अगर एक्स एक्सिस पे डाल लिखना है कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस से पैरेलल ड्रॉप करूंगा मैं, और अगर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ, ये लाइन बनाए ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। अगर ये डिस्टेंस मान लो ये तुम्हारा एक्स वन आ गया, ये तुम्हारा एक्स वन कॉमा जीरो है, और ये तो वाई एक्स एक्स के पैरेलल है ही, ये मान लेते हैं जीरो कॉमा वाई है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वन कॉमा वाई वन। अभी आगे जाके तुमको केवीपी वाई भी देना है अभी, है ना? तो वहाँ पे जब सिलेक्शन के लिए जाते हो इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना, थोड़ा हल्का सा डिटेल में ज़्यादा। अभी ये समझ में आया क्या? ठीक है, अब चलो वेक्टर की बात करते हैं ना, ये तो हो गया हमारा ना। अगर वेक्टर बनाना हो यहाँ पे, तो वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालें? ये बनाना है किसी को? बनाए तो जल्दी बनाओ। तो मान लो यहाँ पे तो मेरे पास कोई वेक्टर है ना, बोल देते इसको आर वेक्टर, इसके मुझे कंपोनेंट निकालने हैं। अब कंपोनेंट निकालना तो हमको आ गया, पर इसके कंपोनेंट मुझे कैसे निकालने हैं? दो पार्ट में निकालना है, पहले तो दो से ज़्यादा मैं नहीं तोड़ूंगा, दूसरा एक एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, दूसरा वाई एक्सिस। बहुत सिंपल है यार, चल दो भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे जाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे जाएंगे, क्या आ रहा है बताओ? देखो देख के ही पता चल रहा है हम कैसा बनाएंगे। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस वाला, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस वाला, और ध्यान से देख लो भाई, क्लियरली देख लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस, बताओ आसान है? यानी दो पार्ट में थोड़ा, एक वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के पैरेलल है, थोड़ा ऐसे लाइन बना लो भाई। दिख तो नहीं ये लाइंस, इसके लोग जाओगे, मतलब ये समझ लो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है, पर अलाउड क्या है? या तो तुम बताए एक्स डायरेक्शन में जा सकते हो या वाई डायरेक्शन में जा सकते हो, तो फिर कैसे जाओगे? तो एक ही रास्ता पॉसिबल है, ये, या फिर ये वाला भी पॉसिबल है, ऐसे। आया समझ में? और कोई नहीं, अगर तुम थोड़े ज़्यादा आगे चले गए तो अब तुम ऐसे नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें एक्स या वाई के पैरेलल चलना है, फिर तुम ऐसे जाओगे तो कहीं और निकल जाओगे, तो तुम्हें एक्जैक्टली एक्स पे इतना ही चलना पड़ेगा और वाई पे एक्जैक्टली इतना ही चलना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है जाने का। ठीक है, हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं फिर, है ना? नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मेनली उसका ही काम आएगा। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई अपना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई एक्सिस क्या होती है हमारी? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है हमारी एक्स और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं? देखो मान लो कोई वेक्टर है हमारे पास आर वेक्टर, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से डिवाइड करना है कि एक एक्स एक्सिस कह लूँगा, दूसरा वाई एक्सिस कह लूँ, बताओ करके कैसे करोगे? देखो मेरे को एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा और वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, और मुझे वो एक्स और वाई की वैल्यू भी बताना है ना। मान लो ये थीटा एंगल बना रहे हैं, तो उनके कंपोनेंट्स की वैल्यू भी बताओ कैसे बनाए भाई। पहले तो देखो तुम्हें यहाँ तक जाना है, और रूल क्या है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलोगे या वाई एक्सिस के पैरेलल, ऐसे जाना अलाउड नहीं है। तो चलो अपन क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चलते हैं, चले 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 चले, अब पता है इस पॉइंट से आगे निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम एक्स या वाई के भी चल सकते हो, तो यहीं तक जाना है, तुम्हें इसके आगे नहीं जाना। तो अब यहाँ से क्या करो, सीधा वाई डायरेक्शन में आ जाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन वाला हो गया, ये क्या हो गया, वाई डायरेक्शन वाला हो गया। देखो कंपोनेंट है, इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है ना, आर एक्स वेक्टर
प्लस आर वाई वैक्टर क्या बन रहा है हमारा, आर वैक्टर बन रहा है। चलो बताओ। अच्छा अच्छा एक तरीका वैसे और है, पहले वाई डायरेक्शन में चल दो फिर क्या करो, पर वो कुछ नया नहीं देगा, देगा तो सेम। मतलब दो तरीके हैं, या तो पहले एक्स की तरफ चल दो फिर वाई पे जाओ, या फिर पहले वाई की तरफ चल दो फिर एक्स की तरफ जाओ, मतलब एक्स के पैरेलल जाओ, पर वो सेम देंगे, ये दोनों वेक्टर सेम है। अरे वेक्टर की पोजीशन कुछ नहीं बताती, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो ना, दोनों वाई डायरेक्शन में है, दोनों की लेंथ सेम है, ये दोनों एक्स डायरेक्शन में है, दोनों की लेंथ सेम है, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, समझ रहे हो? ठीक। अच्छा आर एक्स अब कैसे निकाले, आर एक्स की वैल्यू चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसे इसकी लेंथ है आर, इसकी लेंथ है आर एक्स, और इसकी लेंथ कितनी है, तो बस दो फॉर्मूले लगाऊंगा, एक कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लिखूंगा मैं, और दूसरा साइन थीटा वाला। कॉस थीटा बताओ इस ट्राइंगल में क्या होगा, बेस वाई हाइपोटेन्यूस, तो आर एक्स वाई आर, है ना। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो क्या आएगा आर वाई वाई आर, तो आर एक्स हमारा क्या आ गया आर कॉस, इस आर को ऊपर ले गए, आर वाई क्या आ गया हमारा आर साइन थीटा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जितने स्टार लगा सकते हो ना लगा लो, ये याद हो जाना चाहिए। और इसको याद कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ, मतलब इसको तुम्हें ये निकालना ना पड़े सॉल्व करके, सीधे दिखना चाहिए दिमाग में। अब वो कैसे करेंगे भाई, तो ये देखो थीटा जिससे, पहले तो भाई कंपोनेंट निकलते हैं हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमें ये दिख गया, अब हमें इन दोनों की लेंथ निकालनी थी, तो जो साइड थीटा को टच कर रही है वहां पे क्या आएगा आर कॉस थीटा, वहां पे कॉस आएगा, और जो थीटा के अपोजिट है वहां पे क्या आएगा साइन, इस तरह से सीधा ध्यान रखो ना। तो भाई था थीटा एंगल इससे बन रहा है ना, तो इधर पे क्या आ गया आर कॉस थीटा, इधर पे क्या आ गया आर साइन थीटा, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ, अब आर एक्स हमें पता चल गया, आर एक्स की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, पर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देखो ये तो वेक्टर है ना आर एक्स वेक्टर, पर आर कॉस थीटा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आर एक्स वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, हम क्या करते थे, हम वेक्टर को ऐसे लिखते थे ना मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, बिल्कुल, और एक्स डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है आई कैप, और वाई डायरेक्शन में ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ना आर कॉस थीटा आई कैप। अरे वेक्टर मतलब दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आर कॉस थीटा उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप भाई एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हो गया, प्लस आर साइन थीटा, ये बिल्कुल याद रख लेना भाई, और इसमें जो मैंने लिखा है इसमें ही कुछ भी डाउट हो तो बता दो, पूरी फिजिक्स बस यहीं से निकलने वाली है, इसके बाद हर जगह ये यूज होने वाला है फिजिक्स में, छोटा सा भी डाउट हो कुछ भी समझ में नहीं आया हो पूछ लो। और अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ फिर 10-15 क्वेश्चन इसी पे, ठीक है, कोई डाउट इसमें, फिर ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखो ना, अब एक टेबल बनाओ ना, यहां पर मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, है ना, सबसे पहले तुम्हें उसका एक्स कंपोनेंट लिखना है, फिर उसका वाई कंपोनेंट लिखोगे, फिर उसको यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखोगे, इतना करना है तुमको। पहला क्वेश्चन है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक वेक्टर है ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, बताओ इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है, और यूनिट वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस है 0 डिग्री, तो ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, अरे दिख रहा है ना बाकी पूरा ए पूरा का पूरा तो ए एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स कंपोनेंट क्या हुआ ए, वाई कंपोनेंट कितना हुआ, अरे है ही नहीं वाई डायरेक्शन में वो, अरे तुम एक्स डायरेक्शन में चल रहे हो और पूछे भाई वाई डायरेक्शन में कितना चले, अरे नहीं चले भाई एक्स डायरेक्शन में ही चले है ना। अब यूनिट वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको, एक्स डायरेक्शन में कितना चले ए, जो एक्स में चले उसके साथ आई कैप लगा दो,
जो y में चले उसके साथ j कैप लगा दो, तो a वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा, ए आई क्या। देखो इसमें कोई डाउट है अगर तो, नहीं है ठीक है, फिर सेकंड करते हैं। ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ 30 न्यूटन का, बताओ। बोलो, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। एक्स कंपोनेंट जीरो आएगा, ठीक है, माइनस 30, ठीक है, और यूनिट वेक्टर नोटेशन आएगा माइनस 30 जे का, ठीक है, ठीक है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वाई का वाई डायरेक्शन में बताए माइनस 30 है, या फिर सीधा बोल दो मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं अभी, तो बोल दो सिर्फ 30 न्यूटन है वाई डायरेक्शन में, है ना। और फिर हम बता देंगे कि वाई में कौन सा था, वो नेगेटिव वाला वाई था ना, तो माइनस जे के लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है ना, फाइनल ये सही आना चाहिए। तो बताओ मैं फोर्स वेक्टर कैसे लिखूंगा, जीरो आई कैप प्लस 30 न्यूटन और कितना है माइनस जे कैप, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव वो वाई डायरेक्शन में है ना, तो फोर्स वेक्टर कितना आया तुम्हारा, माइनस 30 जे कैप न्यूटन। देखो इसमें कोई डाउट है अगर तो तो यूनिट वेक्टर के साथ कहाँ लगाया, जे कैप यूनिटलेस है, ये थोड़ी ना यूनिट वेक्टर है भाई, ये तो फोर्स वेक्टर है ना, ठीक है। बताओ यहाँ पर कुछ डाउट है किसी को, नहीं है, चलो फिर और क्वेश्चंस करते हैं। ये लो, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, किसी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड, बताओ। थर्ड क्वेश्चन, एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन में 0, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पर ये चीज़ समझो कि वेक्टर की पोजीशन कुछ भी नहीं बताती है, वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी रख दो फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है क्या। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर है उसका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, खत्म। वेलोसिटी आ गई तुम्हारी 20 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, या फिर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अरे डाउट है तो भाई इधर मुझसे पूछ लो, पूछते हो फिर पूछो, पूछो पूछो, क्या डाउट है बताओ। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख दो माइनस 20 लिख दो, कोई बात नहीं, फिर माइनस 20 लिख रहे हो तो फिर यहाँ पे आई कैप लगाना, मतलब माइनस को एक ही बार लगाना, दो बार मत लगा देना, फाइनल आंसर यही आएगा। अगर तुम यहाँ पे माइनस 20 लिख रहे हो तो फिर यूनिट वेक्टर क्या लगाओगे, आई कैप, फिर माइनस आई कैप मत लगाना, तो सही है, समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली क्योंकि जा तो रहा है माइनस आई कैप में, और देखो मेरा तो माइनस आई कैप में जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो कंपोनेंट लिख रहा हूँ तो उसे मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ एक तरह से, और फिर डायरेक्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे वो आई कैप नहीं माइनस आई कैप में जा रहा था ना, तो डायरेक्शन मैंने यहाँ दिखा दिया माइनस लगा के, ठीक है, बैठो, चलो ठीक है ना। ये बताओ, चलो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बताओ। मैं कह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है, वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना आना चाहिए, आई कैप जे कैप के टर्म में लिखना आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम बोलते थे वेक्टर को मैग्नीट्यूड बोलते थे और उसका डायरेक्शन बता देते, अब हम क्या करेंगे, हम बस उसको आई कैप जे कैप के टर्म में बताया करेंगे वेक्टर को, उससे उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा, डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। हो गया, तो भाई कौन से डायरेक्शन में ये, एक्स कंपोनेंट में क्या है 1, वाई कंपोनेंट 0। अब ये तो मैं दिख नहीं रहा, तो मैं दिख रहा है कि इसका कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, बट अगेन वेक्टर की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, वाई डायरेक्शन में है क्या ये, नहीं वाई डायरेक्शन में ही है ना, जिस डायरेक्शन में है उससे मतलब है, वाई डायरेक्शन में है नहीं, तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया 0। तो क्या लिखोगे तुम, एक्सेलरेशन वेक्टर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो आई क्या आया ये, ठीक है। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन और दे देता हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करना।
चल लिखो भाई, कितने हो गए थे? चार हो गए थे अभी, पाँच लिखो। इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है 37 डिग्री, और से 10 मीटर दिख रहा है क्या सभी को? चलिए तीन क्वेश्चन करो पहले ना, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बताओ भाई, इसका एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा? है ना, देखो अब कॉस और साइन लेना पड़ेगा। अब एंगल किससे बन रहा है? एक्स से बन रहा है ना, जिससे एंगल बनेगा उसके उस डायरेक्शन में कॉस आएगा और दूसरे वाले में साइन। तो देखो इसको ले सकते हैं 20 cos 37, और एंगल क्योंकि एक्स से बन रहा था इसलिए एक्स वाले में कॉस आया। वाई से नहीं बन रहा ना, तो वाई वाले में क्या आएगा? अब हमको पता है कॉस 37 4/5 होता है, कितना हो गया ये 80 हो गया ना, नहीं क्या लिख दिया मैंने 16 हो गया, ये वाला क्या है? और ये मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो गया बताओ? 12 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया तुम्हारा भाई वेलोसिटी वेक्टर? 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप मीटर पर सेकंड। अब यही तो है तुम काइनेमेटिक्स में कर रहे हो, यही सब तो आ रहा होगा वेलोसिटी के कंपोनेंट वगैरह निकालना। चलो बताओ अब इस बार एंगल कौन सी एक्सिस से बन रहा है? वाई से बन रहा है ना, तो कॉस कहाँ पे आएगा? वाई में आएगा। तो लिखो भाई 10, क्योंकि फोर्स कितना है 10 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? तो 5√3 न्यूटन। देखो जिस एक्सिस से बन रहा है भाई उधर कॉस आएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन आएगा। अब मतलब इसमें क्या है इतना टफ? साइन आ गया भाई, कितना आएगा? अब इस डायरेक्शन लिखते समय याद भी रखो भाई, सोचो ये इसके कंपोनेंट बनाओ, बनाओ इसके कंपोनेंट, एक ऐसा और एक ऐसा। अब वाई वाला जो कंपोनेंट है वो तो पॉजिटिव है, पर एक्स वाला देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव, ये समझ में आ रहा है? डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है ना, ये नहीं सीधा आई कैप जे कैप लगा दिया उसके बाद, समझ रहे हो? तो अब अपन लिखेंगे फोर्स वेक्टर, एक्स डायरेक्शन में कितना है 5। अब आई कैप लिखे या माइनस आई कैप? तो देखो ना यार कंपोनेंट माइनस एक्स पे जा रहा है ना, माइनस आई कैप, इसलिए मैंने सबसे पहले कंपोनेंट तुम्हें वो बनाना सिखाया है। अगर कंपोनेंट बना लोगे तो फिर समझ जाओगे डायरेक्शन, माइनस आई कैप प्लस 5√3। वाई में तो पॉजिटिव है और क्या लगा देंगे, तो ये बन गया तुम्हारा एफेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। ये आ गया तुम्हारा, देख लो अगर कुछ डाउट है, क्या डाउट है तो। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, पढ़ोगे अभी 12th में, पर ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, क्वेश्चन तो वेक्टर का है ना, 45 डिग्री बना रहा है। चलो बताओ भैया 45 डिग्री एक्स एक्सिस से बन रहा है वाई एक्सिस, ये बताओ मुझे, तो एक्स एक्सिस से बन रहा है तो कॉस का आएगा, तो भाई 1 cos 45 डिग्री कितना होता है न्यूटन पर कूलम। साइन यहाँ पे आ जाएगा फिर, कितना हो गया न्यूटन पर। चलो कंपोनेंट्स तो आ गए, अब डायरेक्शन भी तो देखना है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे डिसाइड करें? देखने में तो लग रहा है भाई दोनों नेगेटिव वाले पे, जिस जगह पर है वहाँ पे तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल वेक्टर की पोजीशन कुछ नहीं बताती, डायरेक्शन। तो इसके कंपोनेंट बनाओ ना तुम तो यार, तुम्हें तो कंपोनेंट बनाना सिखाया गया है, बनाओ एक्स और वाई में चलना है तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और एक्स और वाई में चलना है, तो क्या करो भाई, ये लो एक्स पे चल दिया, ये कहाँ चल दिया वाई में। अब बताओ एक्स वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव? वाई वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव? अरे ऊपर है ना, वाई में ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, एक्स में राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में, दोनों पॉजिटिव आ गए ना, हो गया सॉल्व हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया हमारा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप न्यूटन पर। या तुम बार बार सेम क्वेश्चन पे आ जाते हो, अल्टीमेटली ये आ रहा है या नहीं आ रहा, फाइनल से मतलब रखो ना यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे ना, जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे ना यार, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मुझे लगता है कि पहले कंपोनेंट निकालो अभी, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, बाद में तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगे, तुम देख के करने लगोगे दिमागी दिमाग में हो जाता है ये सब, इतना सोचना नहीं पड़ता, पर अभी तुम पहली बार सीख रहे हो ना, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ
तो फिर तुम्हें पता ही नहीं चल, तुम सोचोगे भी नहीं और सीधा, मतलब इतना सब तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा बाद में, तुम सीधे कंपोनेंट निकाल लिया करोगे। पर अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो भाई पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो दोनों डायरेक्शन में, फिर देखो कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, फाइनल ये सेम आना चाहिए ना। अभी बताओ इसमें कहीं डाउट है क्या? ठीक है, फिर इसका आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।